Good morning, dear student. This is class 12 and I am Anjali. Yesterday we discussed about the LC circuit. Okay, before that we discussed the R, C and L. ठीक है, पहले individually मैंने LCR circuit का connection समझाया था. इसके बाद किसके साथ? EMF के साथ. अब हम साथ में combination में देख रहे हैं. अभी हम कौन सा circuit देख रहे हैं? RC circuit देख रहे हैं. ठीक है, कौन सा circuit हम देख रहे हैं? RC circuit देख रहे हैं. इसके बाद हम देखेंगे LCR circuit. Okay? So, how alternating current flow through RC circuit? You know, now I am going to combine, yeah, I am going to draw the diagram. It's like, you know, this is the EMF. This series mein connection. R current flow. ठीक है? यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? R. R तो समझ में आई ना आपको? R. इसके बाद मैंने क्या कनेक्ट कर दिया है? सी. ये सी है तुम्हारा, ऐसा ठीक है. ये तीनों कैसे हैं एक दूसरे से? दोनों कैसे एक दूसरे से सीरीज कनेक्टेड है. स्टूडेंट्स की डायग्राम, दीज आर कनेक्टेड टू द सीरीज सर्किट. समझ में आई बात? ये सब सीरीज है. इसके अराउंड वोल्टेज, या इसके अराउंड वोल्टेज वी आर होगा, इसके अराउंड वोल्टेज बी सी. बात समझ में आ रही है? वोल्टेज अलोंग, दिस इज द थ्योरी. कंसीडर दैट एन रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द अल्टरनेटिंग ईएमएफ. नाउ हियर फ्रॉम नाउ करंट स्टार्टेड, अल्टरनेटिंग करंट स्टार्टिंग, या स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम दिस. नाउ द वोल्टेज व्हिच वी गेट अलोंग द आर, दैट विल बी वीआर, एंड द वोल्टेज व्हिच विल बी गेट अलोंग द सी, दैट विल बी बीसी. बात समझ में आ रही है? वी आर और वी सी. अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? ये तो आपको समझ में आ गया है. यस, तुमको पता है मैंने तुम्हें कुछ शुरू में समझाया था वोल्टेज अलॉन्ग आर. वो सब थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम हमने नहीं लिखा था. तो दैट विल बी द सेम इन एवरी केस. सबसे आप डेरिवेशन सीधा यहाँ से शुरू करते हैं. ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ओ ए एसी को मैं ओबी भी लिख सकती हूँ, एसी को मैं ओबी भी लिख सकती हूँ. यू नो ओसी इज इक्वल टू ई होता है. ई इज इक्वल टू रूट ओवर कितना हो जाएगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी सी? वी आर आई आर. वी सी, वी सी कितना हो जाएगा? वी सी इज द वोल्टेज अलोंग कैपेसिटर. अलोंग कैपेसिटर मैंने क्या समझाया था? एट इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी. ठीक है, नो वन अपॉन ओमेगा सी इज आफ्टरवर्ड्स. हम पहले आई एच सी हो जाता है. आई एच सी ठीक है, दोनों में आर स्क्वायर. लाइक लास्ट टाइम इट इज अ कॉमन, सो इट गोज, या दिस इज आर स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा. ये आर स्क्वायर, ये आर हो जाएगा, सॉरी प्लस एस स्क्वायर. समझ में आ रही है? आई इज इक्वल टू ई अपॉन ओवर आर स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर. देखो स्टूडेंट्स, इसको आर स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर. समझ में आ रही है? एक्चुअली नाउ आई वेंट एंड चेक द कैमरा कि ये नीचे तो नहीं गया कैमरा. सो अब क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं इस लास्ट स्टेप को लिख रही हूँ. आई इज इक्वल टू ई. तुमको पता है दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू जेड. मैंने बताया आई इज इक्वल टू ई बाई जेड. जेड इज द इम्पीडेंस. अब आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? आर स्क्वायर इसको वन अपॉन ओमेगा सी का कॉपी दिस, वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर. कॉपी कर लो इसको पूरा. चलिए तो वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर. अब एंगल निकालना है. एंगल यहाँ पर निकालना पड़ेगा. एंगल किसी का यहाँ निकाल, मैंने एंगल लिख दिया ऊपर. एंगल, एंगल तुमको पता है हमेशा किससे निकालते हैं? टेन से. यहाँ पर मैंने एंगल फाइव लिया है तो फाइव लेंगे. टेन फाइव इज इक्वल्स टू, या क्या हो जाएगा? बी सी बाई बी आर, मतलब कि आई एच सी बाई डायरेक्ट लिख दे आई एच सी अपॉन आई एच सी अपॉन आर. क्या हो जाएगा?
x c upon r. x मतलब कि 1 upon omega c by r. वहां तक ले तो 1 upon omega c by r. बात समझ में आ रही है ये वाला? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इसके बाद में लास्ट डायग्राम जो मैंने पहले से बना रखा है फॉर यू ओनली स्टूडेंट्स. दिस लास्ट डायग्राम या एक्चुअली आई मेड द एंगल, यू नो इट मेक्स एन एंगल पाई बाय 2. हियर अ न्यू ईएमएफ एंड द करंट मेक्स एन एंगल पाई बाय 2, मेक्स एन एंगल पाई बाय 2. ओके, नाउ द करंट इज मेकिंग एंगल फाई. ठीक है, सो दिस डेरिवेशन गॉट ओवर. Here we got the value of current in case when it is passing through the with an alternating EMF. अब हम exactly same वैसा ही इसमें find करेंगे in case of LCR. LCR बहुत easy है. Again I am going to draw the diagram. This is the induced EMF. ठीक है, इसे मैंने किससे connect कर दिया. अब मैं sin wave नहीं बनाने वाली, direct value ले लूँगी. ये L, ये C और ये R. तुमको पता है कैसे साइन बनाना है? क्योंकि मैंने बार बार बनाया है साइन. अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं है. एल का पता है क्या साइन होता है? इंडक्टर का. या हियर द वोल्टेज अलोंग इंडक्टर दैट विल बी वी एल. वोल्टेज अलोंग कैपेसिटर वी सी. वोल्टेज अलोंग वी आर. ठीक है, अभी समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया? अब एग्जैक्टली सेम वैसा ही करेंगे. यहाँ पर लोगों ने देख लिया है OE का स्क्वायर. यहाँ पर कैसा होगा स्टूडेंट? OE का स्क्वायर दिख रहा है. यहाँ पर भी हम वैसा ही करेंगे. ठीक है, OE का स्क्वायर. जब हम OE का स्क्वायर यहाँ पर लेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर प्लस E स्क्वायर. OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस E E स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? OA. This will be the O A. Okay. This will be the. Can I see the values? Okay. This will be the value. Yeah. This will be the value E. Okay. So O E का ही है इसमें. ठीक है? समझ में आ गया बात? देखो O E का square is equal to हमको पता है क्या हो जाएगा? O A का square यहाँ से दिख रहा है और क्या हो जाएगा? A E का square. अब इस A E को मैं A E को तुम लोगों को पता है हम क्या ले सकते हैं? Like last time, OA square plus A को हम OD का square ले सकते हैं. इस OD की वैल्यू तुमको दिख रही है क्या? मैंने लिया दिस विल बी VL माइनस VC. इंडक्टर माइनस कैपेसिटर ये कितना हो जाएगा? OE की वैल्यू E होगी. यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? VR square like last time plus VL माइनस VC. वैल्यूज हम एक्सटेंड करते जाएंगे. वी आर क्या हो जाएगा? आई आर स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? आई एक्सएल माइनस आई एक्सएल. कितना हो जाएगा? आई तुम्हारा दोनों ही केस में बाहर हो जाएगा. कितना हो जाएगा? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल का value of E. Exactly same like last time. ठीक है, I is equals to E by R square plus X minus X square. You know, this is the value is equals to Z. Impedance. किसके बराबर है ये value? Impedance. और पता है impedance, reciprocal of impedance is known as admittance. Note down कर लेना. This is the impedance Z. Reciprocal of impedance is admittance. Admittance. Okay. बात समझ में आ गई? अब हम यहाँ पर इसके yes. अब तुम वैल्यू रख सकते हो एक्सेल का. I is equals to एक और हम वैल्यूज दे देते हैं. E upon that is equals to R square. You know the value of एक्सेल. एक्सेल is equals to omega L minus 1 upon omega C whole square. I extended it once. Again, this is the final value. You can see this and copy this. You can see this and copy this. And you know, yeah, like last time again, I am going to find the angle. Copy कर लिया सबने? Yeah. इसके बाद हम क्या find करेंगे? 10 5.
means the angle. Angle कितना हो जाएगा? VL minus VC by R. ये कितना हो जाएगा? XL minus LC by R. XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Omega L minus 1 from omega C by R. This is the value of 10 phi. Now, our today's task is completed. This is the current along LCR. This is the current along RC. Please do it, complete it. Abhi CR ka shayad bacha hua hai. Ek aur bacha hua hai. Tomorrow we will take it. Okay, and with, okay, if this whole series, you know, this definition, this derivation will definitely come in exam. Okay, aur iske baad ek aur hai power factor. Wo bhi exam mein aata hai. To wo bhi hum dekhenge. But this is also very important. Because this is the conclusion of whole LC, RC, LR, sabka conclusion. So this is always coming in exam. Please revise it and do it. And tomorrow we are going to meet again with a new derivation. Okay. बात समझ में आ रही है? I explained whole diagram, whole graph with every points of derivation. If you have any doubt, please ask me in the WhatsApp.